टेक्निकल आदमी थोड़ी ना हुई, मैं ब्राइटनेस, अब मैं यहाँ पर जाऊँ इधर पे सेलेक्ट करूँ ब्राइटनेस बढ़ाऊँ, और भी तो काम है भाई, इतना सारा बच्चा से पढ़ रहा है, एक कहेगा रोटी दे दो खाने के लिए, अरे दीवाने माफी दे दो आऊंगी नया कर दा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कोई वायरस हो गया तो ये वायरस का क्या था, प्रोटीन कोट था, जिसको आप बोले थे कैप्सिड, जिसको आप बोले थे कैप्सिड, और ये आपका मान लीजिए न्यूक्लिक एसिड है। तो इन्फेक्शियस कौन होता है, जो इन्फेक्शन करता है, जो आपका इन्फेक्शन करता हो। हमें हेडफोन की क्या जरूरत है इसमें, हमने कौन सा गलत बोला, क्यों, हम तो देखते थे कभी कभी छुप छुप के लैपटॉप को कंबल में डाल के मूवी देखते थे हेडफोन लगा के, इसमें कौन सा गलत है, KGF-1 KGF-2। ठीक है, वो क्या बोलते हैं ना, हो सकता है आपके घर में आपके पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या छोटा भाई 6th या 5th क्लास में हो, वो बैठ के पढ़ रहा हो, उसको डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप हेडफोन यूज कर सकते हैं। ठीक, आ जाओ, तो ये क्या है आपका, ये है न्यूक्लिक एसिड, ये है आपका न्यूक्लिक एसिड। ठीक, न्यूक्लिक एसिड कैसा है, इन्फेक्शियस पार्ट है, जो इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्शियस है। ठीक, और ये आपका प्रोटीन कोट है, ये है आपका प्रोटीन कोट, जिसको आप बोले थे कैप्सिड। तो प्रोटीन कोट किसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटीन कोट किसको प्रोटेक्ट करता है, देख लीजिए, प्रोटीन कोट के अंदर न्यूक्लिक एसिड है, तो प्रोटीन कोट प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। तो ये हमने आपका स्टैंडर्ड डीएनए है, यहां पर आपका डबल का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। ठीक, ऐसे ही आपका टोबैको मोज़िक वायरस है, TMV, जिसको आप बोलते हैं टोबैको मोज़िक वायरस। टोबैको मोज़िक वायरस में भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, और एक और आपने नाम सुना होगा गुदड़ी का लाल, HIV, या फिर मैं आपको रेट्रो वायरस बोलूं, इसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। तो ये आपको याद रखना होगा, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, SSRNA, बीच में डबल स्टैंडर्ड डीएनए। टोबैको मोज़िक वायरस SSRNA, HIV रेट्रो वायरस है आपका SSRNA। ठीक है, HIV को रेट्रो वायरस भी बोल दिया है आपने, एक तरीके से रेट्रो वायरस है। ठीक है, तो HIV मिलेगा या फिर रेट्रो वायरस मिलेगा, ठीक है, कोई भी मिल सकता है, HIV मिले या फिर आपका रेट्रो वायरस मिले। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहां तक की बात आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए, यहां तक की बात समझ में आई तो आप यहां पर यस लिख दीजिए, यहां पर यस लिख दीजिए। एक स्टूडेंट है हसनीन शेख, इनका नाम है, ठीक है, अंकित और आसिफ भाई, हसनीन शेख इनका नाम है, ये लिख रहे हैं टीचर को, यू आर लुकिंग लाइक अ डॉग, है ना, तो हम इनके लिए कोई गाली नहीं देंगे, है ना, कोई कमेंट नहीं देंगे, ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम यहाँ पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे इन्हें 20 सेकंड की क्लिप मिल जाए, और फिर इनके मालिक इनसे खुश हो जाएंगे, और फिर इनको तेल की सीसी मिलेगी, कंघी मिलेगी, ठीक है, और तूलिया भी मिलेगा, बाथिंग टब भी मिलेगा। ठीक है, तो आसिफ भाई, रंकित भाई, इसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना है, ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है, और मेल डाल देना, लिख देना कि टीचर के लिए लिख रहा था यू आर लुकिंग लाइक अ डॉग, ठीक है, और इसका सब्सक्रिप्शन हमेशा के लिए कैंसिल करना है, और लेक्चर के बाद करेंगे, ठीक है, तो
तो ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, ठीक है, लेकिन हमें इनको इग्नोर करना है, समझ में आया, हमें इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए, ठीक है। तो इनको आज हम शाम को एक तेल की सीसी इनको दे दी जाएगी, ताकि ये नहाने से पहले उसको अच्छे से लगा लें और उसके बाद ये नहाए, बाथिंग टब भी इनको मिलेगा, ठीक है। हसनैन शेख इनका नाम है, ठीक है। तो यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आ गई है तो आप यस लिख दीजिए। अबे आज तो मैं स्मार्ट लग रहा हूँ एकदम बढ़िया, देख तू बाल बाल बिल्कुल सेट है आज तो, तुम्हारी क्लास से पहले जिम भी होकर आया हूँ आज तो मैं, ठीक है, आज तो मैं और ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ नसीर। तो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है, ठीक है। हाँ तो यही मैच्योरिटी होती है बेटा, ऐसे रिएक्ट करना नहीं होता है। एक ही बार मैंने आप क्लास में गुस्सा किया था, ये उसका रीजन अलग था उसका रीजन क्या था, हाँ, उसका रीजन था नोट्स खराब हो गए, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट है, ठीक है, अब तो मैं उस पर भी गुस्सा नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। तो देखिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूं यहां पर, क्योंकि मैं आपका मास्टर हूं। वायरस कॉज डिजीज लाइक मम्स स्मॉल पॉक्स हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा। बच्चों एड्स जो है एचआईवी वाला वायरस, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। अब यहां से लेके यहां तक ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं। फिर ये एक पैराग्राफ है और एक पैराग्राफ है, ठीक है, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। चलो यहां तक मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद आपका क्या हो, हैंडसम, ये खाओ यो हैंडसम चलिए अबे ध्यान से देख, तू कुछ और ही देख रहा था तू कहीं पर। अबे इतना हैंडसम बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है, वो भी 37 ईयर ओल्ड आदमी, और तू कह रहा है यू आर लुकिंग अ डॉग, लुकिंग लाइक अ डॉग। अरे दीवाने पर्सनैलिटी तो देख बाबा हाँ आ जाओ, की एज के है। अभी 3 साल बाद मैं 40 का हो जाऊंगा देखो तो अभी दिसंबर में मैं 38 का हो जाऊंगा। तो ये आपको समझ में आ गया है। हेडिंग डालिए प्लांट सिम्टम्स। बच्चों प्लांट सिम्टम्स, ठीक है, प्लांट सिम्टम्स, ठीक है, किसी वायरस ने किसी प्लांट को इंफेक्शन किया, ठीक है, किसी वायरस ने किसी प्लांट को इंफेक्शन किया, पूरा का पूरा खत्म हो जाए, बट स्टिल मैं एक चीज कहूंगा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैं दिमाग में ये रख के नहीं पढ़ा रहा कि मुझे 8:20 तक ही हर हालत में खत्म करना है, मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि बच्चे को मेरा एक एक पॉइंट समझ में आए। तो मेरे लिए सबसे पहले ये चीज है, ठीक है, 8:20 तक खत्म हुआ हुआ,